नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मिथुन राशि वालों का आज का दिन यानी कि 10 अक्टूबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा। इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके शिक्षा, आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में। दोस्तों, आप में से कोई भी जातक, कोई भी दर्शक अगर विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो आज के दिन पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में समय के महत्व को आपको समझना होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, समय के महत्व को अगर आप नहीं समझते हैं, तो आने वाले समय के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, आप में से जो भी जातक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए काम करते हैं, तो आज के दिन संभव है कि आपके सामाजिक कार्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके जान पहचान के लोग आपके सामाजिक जीवन में आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन छोटी मोटी बातों से आपको परेशान नहीं होना है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को आपको मजबूत करना होगा। वैसे अगर आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा। आज के दिन अगर आपका जीवन साथी आपसे कुछ उम्मीद करता हो या उम्मीद करती हो, तो उनके उम्मीद को आपको पूरा करना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आपका आने वाला समय शानदार हो जाएगा। मित्रों, अगर आपके घर परिवार की बात करें, तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे बहुत ज्यादा बेहतर और शानदार है। मित्रों, आज के दिन अगर अपने घर परिवार में आप कोई परिवर्तन, कोई बदलाव करते हैं, तो आपके घर वालों का साथ, आपके घर वालों का सपोर्ट आपको अवश्य मिलेगा। तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक के बारे में। मित्रों, आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल और मैरून। आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 1 यानी कि 1। दोस्तों, आज के दिन अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए आपको भगवान नरसिंह की पूजा करनी होगी। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आपका आने वाला समय शानदार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम।